नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई आलू का की कलौंजी, जो कि बहुत बढ़िया लगती खाने में। या आप दाल चावल या पराठे संग इसको किसी संग भी खाएं और ये बनता भी बहुत बढ़िया है। हमने इस तरह की तुरई ली हुई है और इसको छील के और हम इसके इस तरह टुकड़े कर लेंगे इस तरह, और बीच से इस तरह टुकड़े करने के छीलने के बाद इसको बीच से टुकड़ा कर लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े हम इस तरह, एक लंबी है तो इसमें हम दो से तीन टुकड़े हम कर सकते हैं इस तरह, और इस तरह और बीच में हम इस तरह हल्का सा कट लगा देंगे। और हमने 250 ग्राम आलू लिए हैं और आलू हमने इस तरह बड़े साइज के लिए हुए हैं, और इसको हल्का सा चाकू से आप इसमें एक फोक से या चाकू से हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से इसमें चले जाएंगे। क्योंकि हम कलौंजी वाला बना रहे हैं और इसमें हमने कलौंजी का मसाला यानी एक भरवा मसाले का जो होता है वो हमने लिया हुआ है करीब 2 चम्मच। इसमें धनिया पाउडर, सॉरी साबुत धनिया, जीरा और सौंफ, कलौंजी, मेथी और सरसों के दाने, जिनको भून के हमने मसाला इसका बनाया हुआ है, और हमने इसका मसाला भी बना के आपको दिखाया हुआ है। और तीखा करने के लिए इसमें लाल मिर्च है करीब 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और साबुत, इसमें थोड़ा कलौंजी अच्छा बना रहे हैं इसमें स्वाद में, तो इसके लिए हमने कलौंजी लिया हुआ आधा चम्मच और 1 चम्मच हमने सौंफ लिया हुआ है। लहसुन का पेस्ट है करीब 2 चम्मच पड़े, पिसी खटाई यानी आमचूर पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार हमने 1 चम्मच लिया हुआ है, और सरसों का तेल। और हमने इन सब्जियों को धुल के साफ कर लिया था, अब इनको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम बर्तन लेंगे और उसमें हम आलू और हम तरोई इस तरह डाल देंगे, और इसमें हम लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे, और इसमें हम ये मसाले जिसमें हमने हल्दी और ये कलौंजी वाला मसाला और लाल मिर्च ये भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और इसमें पिसी खटाई, और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और इस तरह का आप कलौंजी वाले आलू या तरोई बना के आप इसको रख सकते हैं, जो 3 से 4 दिन आप फ्रिज में रख लें तो आराम से 3-4 दिन ये चल सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं। और ये दाल चावल या पराठे के संग बहुत बढ़िया लगता है खाने में। देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है, और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हमने 2 बड़े चम्मच हमने तेल डाले हुए हैं सरसों का, और तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये कलौंजी और सौंफ डाल देंगे, इसको हल्का सा भूनेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हींग भी बहुत बढ़िया लगता है। इसको मैं हल्का सा भूनना है, बाकी ये हमारा ये मसाला आलू और ये सब हम इसी में डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आंच को हम धीमा ही रखेंगे, बहुत तेज नहीं रखेंगे, फिर 2 से 3 मिनट पहले इसे धीमी आंच में पकाएंगे, फिर उसके बाद इसको जब तक इसमें तरोई में थोड़ा पानी भी रिलीज होगा, तो अब इसको हम कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे। और इसको एक बार हम फिर चेक कर लेंगे, देखिए काफी इसमें तरोई ने पानी छोड़ा हुआ है, तो इसको हम चला देंगे और आंच को थोड़ा भी धीमे ही रखेंगे, क्योंकि आलू हमारे गलने के बाद इसको हम थोड़ा सुखाएंगे, और बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें आ रही है। अभी इसमें आलू थोड़े से गले हैं, अभी पूरी तरह नहीं गले हैं, और इसको हम थोड़ी देर खुला पकाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अब इसको हम थोड़ा सा खुला ही पकाएंगे क्योंकि आलू हमारे आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। और इसको हमें थोड़ा मसाला जो इसका है उसको हमें सुखा भी लेना है। और बनते हुए हैं इसको करीब 15 से 20 मिनट हो रहे हैं क्योंकि पानी भी सूखने में थोड़ा टाइम लगा इसका। और काफ़ी अच्छे से सूख गई है ये और सारा तेल इसका अलग सा हो गया है। और ये हमारी बनके तैयार है। अब इसको निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। बनके तैयार है हमारा ये कलौंजी आलू तरोई और ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ। आप इसको दाल चावल या रोटी संग इसको सर्व करें। आप इसको हमारे दिए तरीके से बनाएं और ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।